दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑल्टर्नेट कंटेंट के बारे में। दोस्तों यूट्यूब में जब भी हम लोग को वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को दिखता है कि ऑल्टर्नेट कंटेंट, वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और वहाँ पे नीचे ऑप्शन दे रहा है येस या नो, मतलब वो येस करना है या नो करना है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सबको, तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल्स में एक बार समझते हैं और उसमें देख लेते हैं कि एक्चुअली में हम लोग येस करना है कि नो करना है, क्योंकि हर एक वीडियो में ये अलग अलग होगा। तो अगर हर एक वीडियो में हम लोग उसको येस की जगह नो कर दिया या नो की जगह येस कर दिया तो हो सकता है कि यूट्यूब के थ्रू से कुछ पेनाल्टी लगे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है या मोनेटाइज में भी कुछ दिक्कत हो सकता है, डिसेबल हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं और उसमें येस करना है या नो करना है तो ये देख लेते हैं। चलिए एक बार कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडियो को खोले और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक कंटेंट में गए। देखिए एक कंटेंट ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो है एक ऑप्शन दिख रहा है ऑल्टर्नेट कंटेंट, यहाँ पे लिख रहा है डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट, मेक ए रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट से। एक्चुअली क्या होता है, अगर आपका वीडियो में एक ऐसा चीज ऐड किया हुआ है जैसे कि एक पर्सन वहां पे दिख रहा है लेकिन वो एक्चुअल में वो रियल नहीं, वो एआई से जनरेट किया हुआ है या फिर वो आदमी तो सही है रियल है लेकिन उसका जो वॉयस है वो एआई से जनरेट किया हुआ है, मतलब जो दिख रहा है वो रियल लग रहा है लेकिन एक्चुअल में वो रियल नहीं। अगर ऐसा कुछ वीडियो आपने यूज किया है तो वो वहां पे आपको येस करना है। जब भी आप कोई एड चलता है तो उसमें देखिएगा कुछ सेलिब्रिटीज को दिखाता है कि वहाँ पे वो लोग कुछ कर रहा है, कुछ बता रहा है लेकिन हम लोग को लग रहा है कि रियल वही लोग बता रहा है लेकिन वो सेलिब्रिटीज वहाँ पे वो चीज नहीं बता रहे, वो लोग अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ बता रहे हैं लेकिन एआई से जनरेट किया हुआ ऐसा वॉयस उसमें यूज किया गया जैसे लग रहा है कि रियल है और वो लोग ये बात बता रहा है लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं। तो ऐसा अगर वीडियो आप लोग यूज कर रहे हैं और या फिर बना रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप लोगों को ये करना है। उसके बाद देखिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा है ऑल्टर्नेट फुटेज ऑफ ए रियल इवेंट और प्लेस, जिसे मैंने अभी बताया कि एक वो लोग इवेंट में या फिर कहीं पे कोई बर्थडे पार्टी में या कहीं पे भी कुछ कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं उसका जो वॉयस है वो यूज कर रहे हैं या फिर उनका जो रियल वीडियो है वो हम लोगों को ऐसा एक्चुअल में चेंज कर किया हुआ है जो कि रियल लग रहा है, मतलब किया तो वो लोग रियल नहीं है, वो एआई से जनरेट किया हुआ है या फिर वो इवेंट और प्लेस वो रियल है लेकिन उन लोगों का जो वॉयस है वो चेंज किया हुआ, मतलब कुछ भी अगर वहां पे चेंज होता है एआई से जनरेट किया होता है तो यहाँ पे ये करना है। उसके बाद लिखा हुआ है जेनरेट रियलिस्टिक लुकिंग सीन्स दैट डिड नॉट एक्चुअली ऑफर, मतलब दोस्तों जो मैंने बताया कि जो भी चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियल तो लग रहा है लेकिन वो एक्चुअल में एआई से जनरेट किया हुआ है, अगर ऐसा है तो आपको वहां पे ये करना है। अगर एआई से आप जैसे और भी चीज होता है जैसे एआई से आपने कुछ दूसरा कोई एक वीडियो बनाया जो कि एआई का यूज करके आप फोटो को एडिट कर रहे हैं या फिर दूसरा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपको येस नहीं करना है, नो करना है, लेकिन जो रियल लग रहा है जो वीडियो में उसका वॉयस को आप चेंज कर रहे हैं या फिर वो रियल में वो आदमी है ही नहीं उसको आप एआई से जनरेट किया हुआ है तो उस जगह में आपको येस करना है। तो चलिए दोस्तों जैसे कि मेरा ये वीडियो ऐसा कोई कॉन्टेंट है नहीं तो चलिए मैं इसको नो कर देता हूँ, एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को दिखाया कि ये ऑल्टर्नेट जो कंटेंट है ये एक्चुअल में क्या है और इसमें आपको ये करना है कि नो करना है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।